गुर कलगीधर महाराज जदों चमकौर दी गढ़ी नूं छड के माछीवाड़े दे जंगल जांदे ने, पंज गुरु के सिखा ने गुरु दे रूप दे विच साहब नूं हुक्म सुना दिता भी चमकौर दी गढ़ी छड के जानी है। साहब ने सीस नभाया ते चमकौर दी गढ़ी छड के तुर पए ने। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ये दो प्यारियां विचों ने, ते तीसरे भाई मान सिंह, इन्हां ने भी चमकौर दी गढ़ी नूं छड्या। चारे दिशां दे विचों निकले ने ते गुरु कलगीधर पातशाह तुरदियां तुरदियां सतगुरु महाराज माछीवाड़े दे जंगल दे कोल पहुँच गए ने। पवांत पिंड विच सतगुरु महाराज का जोड़ा जिहड़ा सी ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਥ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ। ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਹਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਲਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ उन्हें भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह नूं दस्या भी तुहाडे वर्गा ही तुहाडे वर्गा लिबास है ते ओ बाग दे विच सुत्ता पिया है। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह आए ने, सतगुरु महाराज आराम की अवस्था विच है ते आराम की अवस्था दे विच सतगुरु की हालात की है, पैरां दे विच सूलां चुभण दे नाल, कंडे चुभण दे नाल, ते रस्ता पथरीला होण दे कारण, झाड़ियां कंडियां दे नाल भरपूर होण दे कारण, पैरां दे विच कंडे बज बज के, पत्थर बज बज के, रोड़े बज बज के, ते सर्दी दे दिन होण दे कारण सतगुर दे पैरां दे विचों खून जिहड़ा है उह रिस पिया पिया है। एक विद्वान पुरश कवि ने उस गल दी जिक्र कीता है, उह लिखदा है, सोहणे उहदे पैर ते गुलाबी रंगी अड्डियां, अड्डियां च चुभियां ने सूलां वड्डू वड्डियां। सतगुरु महाराज दे पैर सोहणे ने पर उहदे विच सूलां चुभण दे नाल जख्म होए पए ने। सोहणे उहदे पैर ते फुहारे वांगू रिसदे, नवें छाले बणी जाण पुराने जाण फिसदे। नवें छाले बण रहे ने ते पुराने उह फिस रहे ने। सोहणे उहदे पैरां विचों रस जिहा चोरिया, इंज लगे अल्लाह ताला पैरां राही रो रिहा। इवें लगदा सी सतगुरु दे पैरां विचों जिहड़ा खून रिस रिहा है ते इंज लगदा सी जिवें अल्लाह भी अपणियां अखां दे विचों हंझू पिया कढ़दा सी। सतगुरु महाराज दा जामा लीरो लीर होया पिया इहो जी हालात दे विच भी सतगुरु महाराज चढ़दी कला दे विच ने। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह आए ने, सतगुरु महाराज दे हजूर सतगुरु महाराज उठे ने, फतेह सांझी होई है। इत्थे ही भाई गुलाबा सतगुरु महाराज दे कोल आया ते अपने घर लै गया। रात पैण ते उन्हें एक डौंडी पिटदियां होया सुनिया भी जिहड़ा गुरु पातशाह नूं अपने घर दे विच पनाह देवेगा उन्हूं सख्त तो सख्त सज़ा होवेगी। ते उस वक्त भाई गुलाबे ने सतगुरु महाराज नूं विदा कीता है। पर इस तो पहला नवी खां ते गनी खां इन्हां ने सतगुरु महाराज दे कोल आके ते अपने घर जाण वास्ते बेनती कीती है। सतगुरु महाराज नवी खां ते गनी खां दे घर गए ने। इत्थों ही सतगुरु महाराज, क्योंकि पैरां दे विच छाले पए हुए ने, तुरिया नहीं जा सकता। प्रोफेसर साहब सिंह ने विचार दित्ती है कि नवी खां ते गनी खां ने सतगुरु महाराज नूं उच्च दा पीर बना के अगे लिजाण वास्ते फैसला किया, क्योंकि ये इलाका जिहड़ा सी उह सरहंद दे इलाके दे विच पैंदा सी ते खतरे तो खाली नहीं सी। सतगुरु महाराज आप ही अगे जाना चाहुंदे सन ते इहो जी हालात दे विच पैरां दे विच तुरिया नहीं सी जा रिहा। दूजा, सतगुरु महाराज दे कोल कोई घोड़ा नहीं सीगा। घोड़ा ना होने के कारण फिर नवी खां ते गनी खां ने सतगुरु महाराज नूं उच्च दा पीर, उच्च दा पीर बनाउण दा मतलब की सीगा कि पाकिस्तान दे विच अज भी बहावलपुर इलाका उत्थों दे जिहड़े पीर ने
ख्याल करना आम मुसलमान दाढ़ी रखते ने पर मुछां जिहड़ियां ने उह कटा लैंदे ने, तुसीं आम देखिया होवेगा। पर जिहड़े उच्च दे उत्थे दे पीर ने उह पूर्ण साबत सूरत रहिंदे ने, मुछां भी नहीं कटाउंदे, उह अपने वाल पिछे नूं छड्ड दिंदे ने, गुट्टी करन दी बजाए जूड़ा करन दी बजाए पिछे नूं छड्ड दिंदे ने, उपर दी पग बन लैंदे ने। इवें दा भेस सतगुरु महाराज दा बना करके ते इह जिहड़े उच्च दे पीर उस अस्थान दे ने, इन्हां दी जिहड़ी पीरी फकीरी वख वख पिंडां दे विच मानता है ते इह इक पिंड तों दूजे पिंड दे विच भेटा लैण वास्ते जांदे ने, ते इन्हां दे सेवक इन्हां नूं पलंगे दे विच बिठा के ते इक पिंड तों दूजे पिंड छड्ड के आउंदे ने। हुण नवी खां ते गनी खां ने भी सतगुरु महाराज नूं उच्च दा पीर बना के पलंगे दे उत्ते बिठा के नाल भाई दया सिंह भाई मान सिंह इन्हां ने पलंगे नूं चुकिया है ते भाई दया सिंह ने चौर करदिआं अग्गे अग्गे चल गया। मैं गल नज़दीक रखां संखेप शब्दां विच, सतगुरु महाराज माशीवाड़े तों तुर करके आलमगीर पहुँचे ने, कई पिंडां विचों आउंदे होइआं दो दिन तों बाद। आलमगीर पिंड दे विच भाई मनी सिंह दा भरा रहिंदा सी भाई नगाइया जी, इह अपने पुत्तर दे नाल घोड़े दा वपार करन वास्ते जा रहा सी। सतगुरु महाराज दे नाल मुलाकात होई ते भाई नगाइया जी ने सतगुरु महाराज नूं इक घोड़ा भेंट किया गया है, भाई जान उस घोड़े का नाम है। सतगुरु महाराज के कोल तीन घोड़े होया करदे सन, एक घोड़े का नाम सी दर बराड़ जो आनंदपुर साहब विखे चढ़ाई कर गया सी भुख के कारण, दूजा घोड़ा सी नीला, नीला उहदा रंग नहीं सी पर उहदा नाम सी नीला, जो चमकौर की गढ़ी विच रह गया सीगा। आ हुण तीजा जिहड़ा घोड़ा सी भाई नगाइया जी ने भेंट किया उहदा नाम सी भाई जान। सतगुरु महाराज ने इत्थों ही भाई गनी खान ते नवी खान नूं एक प्रशंसा पत्र लिख करके हुक्मनामा लिख करके ते वापस मोड़ दिता। इत्थों अगे हुण सतगुरु महाराज ने घोड़े दे उत्ते सवार होके अगला सफर किया है। सतगुरु महाराज हेहर पिंड गए ने, हेहर पिंड तो सतगुरु महाराज राय कले दे कोल गए ने, होर कई पिंडां दे विच अज भी सतगुरु महाराज दे जाण दी यादगारी स्थान बने हुए ने। राय कले दे कोल जा करके राय कोट, इत्थों सतगुरु महाराज ने नूरे माही नूं सरहंद भेज के छोटे साहबजादियां दी खबर सार उह सारी खबर जिहड़ी है उह प्राप्त करदे ने। इत्थों सतगुरु महाराज राय कोट तों अगे पिंड दीने जांदे ने, दीने पिंड दे विच्चों ही सतगुरु महाराज जफरनामा लिख करके औरंगजीब वल भेजदे ने। इत्थे दीने पिंड दे विच भाई जोध दी औलाद है अगे लखमीरा शमीरा ते तख्त मल, सतगुरु महाराज कुछ दिन इन्हां दे कोल रहिंदे ने। इत्थे रहिंदिआं ही एक सनातनी धर्म दा सी, उहदा नाम सी शीतलपुरी। शीतलपुरी का एक चेला सी दयालपुरी जो सरहंद का रहन वाला सी, दयालपुरी दीने पिंड आया होया सी शीतलपुरी दे कोल, ते जदों ये दयालपुरी वापस जांदा है सरहंद, ये जाके खबर दे दिंदा सरहंद दे विच वी गुरु कलगीधर पातशाह दीने पिंड ने वजीद खां एक चिट्ठी लखमीरा शमीरा ते तख्त मल नूं लिखदा है वे तुसी गोबिंद सिंह नूं पकड़ करके सरहंद पेश करो। पर इन्हां तिन्नां ही भरावां ने मुड़मा जवाब दिता, कहण लगे जिवें तुसी अपने मुरशदां नूं पीरां फकीरां नूं सत्कार दिंदे हो इवें असी सत्कार गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं दिंदे हां, असी किसे भी हालात दे अंदर तुहाडे पेश नहीं करांगे। इह जुरत भरिया जवाब जदों वापस गया ते उस वक्त वजीद खां ने फिर तैयारी की है सतगुरु महाराज के उत्ते हल्ला करन वास्ते। जिहड़ा चिट्ठी लैके दे के गया सी उह सरहंद कुछ चिर रुक के उह खबर सार उहने सारी देख ली किवें वजीर खान हसन खान नूं तैयार करदा है सतगुरु महाराज के उत्ते हल्ला करन वास्ते। सतगुरु महाराज इस दीने पिंड तो फिर कोट कपूरे जांदे ने, इत्थे रहण वाला चौधरी कपूरा है, इहदे कोल एक किला भी है पर ये अपनी चौधरपुणा मेरा खत्म ना हो जाए, जागीर ना खत्म हो जाए, ये सतगुरु महाराज नूं
किला वरतन वास्ते नहीं दिंदा। सतगुरु महाराज की आग्या भी मनदा है पर सरकारी दरबार भी यह डरदा है। सतगुरु महाराज उहदे दोगले पुले नूं जाण लैंदे ने, कायरपुरी नूं जाण लैंदे ने। सतगुरु महाराज कोट कपूरे तो अगे जांदिआं पुछदे ने पे मैनूं इहो जिहा स्थान दित्ते जिथे दुश्मनां दा टाकरा कीता जा सके। एक खदराणे दी ढाब दा पता दिंदा है, अपने एक खान बराड नूं नाल भी भेज दिंदा है। जदों सतगुरु महाराज इत्थों अगे जा रहे ने ते सतगुरु महाराज जदों रूपाणी दे कोल पहुँचदे ने, सीलो आणे ते रूपाणी दी विचकार, इत्थे माझे दी पंचायत जिहड़ी है ओह सतगुरु महाराज नूं आके मिलदी है। इहदे विच भाई महा सिंह भी ने, भाई राय सिंह, ये भाई मनी सिंह दे प्राण, उहदे विच माई भागो भी है। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਜਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਉ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਹੀਏ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣਾ ਲਪੇਟ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਜਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 40 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ, ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕੱਢਦੇ, ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਢਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 40 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ 40 ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੰਭ ਗਈ ਪਿਆਸੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗੇ ਤਾਂ 30 ਕੋਹ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਕੋਹ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ
वजीद खान के जरनैल ने सोचा भी गुरु नूं पकड़ना बड़ा मुश्किल है, इस दे आनंदपुर के किलियां दे विच नहीं पकड़िया गया, मेरी अद्धी फौज तो मर गई है। ख्याल करना 8000 फौज लैके आया से, अद्धी कु फौज मर गई तो बाकी फौजा नूं इन्हें वापस जिहड़ा सी लैके चला गया। इवें सतगुरु महाराज की इस जंग दे विच भी जित हुंदी है। सतगुरु महाराज आउंदे ने वेखदे ने गुरु के सिख शहीद होए पए ने, जिन्ने कु कदम अगे वध के गुरु का सिख शहीद होया सी उसे ढंग दे नाल उहनूं फिर नवाजदे ने। जिवें अज भी फौज दे अंदर परमवीर चक्कर होर चक्कर दिंदे ने, इवें सतगुरु महाराज ने उहनां नूं नवाजिया। किसे नूं 5000, किसे नूं 10000, किसे नूं 20000, किसे नूं 30000, किसे नूं काबल दा राजा, किसे नूं कश्मीर दा राजा कह के सतगुरु महाराज ने नवाजिया है। अखीर दे विच भाई महा सिंह जदों उहनां दे कोल आउंदे ने, उहनां दी सवासां दी लड़ी चल रही है, सतगुरु महाराज उहनूं गोद विच लैंदे ने, मुख साफ करदे ने, खून जिहड़ा जख्म होए चेहरे दे उत्ते साफ करदे ने। सतगुरु महाराज पुछदे ने, भाई महा सिंह तू माझे दे सिंघां दी रख विखाई है, कुछ मंग। सतगुरु महाराज कहिंदे ने, भुगत जुगत मुक्त जो मर्जी मंग लै। महा सिंह कहिण लगा, सतगुरु दातिया तेरे चरणां दे विच तेरी गोद दे विच आखिरी सवाह निकल सवास निकलने ये बड़े बड़े भागां वाले ने। तो सच जाण्यो गुर कलगीधर पातशाह ने वो गोद उन्हां दे बच्चियां नूं भी प्राप्त नहीं सी होई, इत्थों तक कि सतगुरु महाराज उन्हां दे उत्ते बिना कपड़ा पाया कफन पाया अपने साहिबजादियों दे कोलों दी लंघ आए सी, पर कफन नहीं सी पाया। पर अज महा सिंह नूं वो सुभाग घड़ी प्राप्त हुई सतगुरु दी गोद दे विच। ते जदों सतगुरु महाराज ने वार वार किया, भाई महा सिंह कुछ मंग लै, ते भाई महा सिंह कहण लगे, सतगुरु दातिया वो विदावा जिहड़ा माझे दी पंचायत ने लिखिया सी वो पढ़ दे, तू साडा गुरु ने ते असी तेरे सिख नहीं। सतगुरु महाराज ने कमर कसे दे विच्चों वो कागज़ कढ़िया पाड़ दिता, ते साहिब कहण लगे, टुट्टी नखोटी पे वो जिहड़ी टुट्टी सी वो मुड़ जुड़ गई। सच जाण्यो महा सिंह ने आखिरी सवास गुरु की गोद विच्चों प्राप्त कीते। साहिब ने उन्हां सारे शरीरां दा चिखा चिण के संस्कार किया, तो ये गल कह दी भी ये मेरे 40 मुकते ने, उन्होंने मुक्त कर दिता। अज भी उस स्थान के उत्ते मुकतसर गुरद्वारा स्थापित है।